बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कुछ ऐसा ही हाल है इस वक्त सरफराज खान के चाहने वालों का। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में सरफराज खान का डेब्यू करना लगभग निश्चित हो चुका है। दरअसल चोटिल केएल राहुल वक्त रहते फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए, जिसके चलते सरफराज के लिए मौका बन रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज का राजकोट टेस्ट खेलना पक्का है। उन्होंने एक सोर्स के हवाले से लिखा कि सरफराज अपना डेब्यू करेंगे, केएल राहुल इस टेस्ट से बाहर हैं, इसीलिए सरफराज का डेब्यू हो जाएगा। विराट कोहली पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर है। वहीं दूसरे टेस्ट मैच से पहले रविंद्र जडेजा और केएल राहुल भी चोट के चलते बाहर हो गए। ऐसे में उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में सरफराज खान को बुलाया गया, लेकिन इसके बाद भी सरफराज को डेब्यू का मौका नहीं मिला। उनकी जगह टीम में शामिल एक और युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार को शामिल कर लिया गया। सरफराज से पहले रजत ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। सरफराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले फिट घोषित किए जाने के बाद अचानक श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद केएल राहुल भी तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए और घुमा फिराकर जैसे तैसे टीम इंडिया में आखिरकार जगह बन गई सरफराज खान की। भारतीय टीम का हिस्सा होने पर उन्हें गर्व भी है। बता दें कि सरफराज खान बीते कई सालों से अपने फर्स्ट क्लास करियर में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरफराज ने फर्स्ट क्लास करियर में कुल 45 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान 66 पारियों में उन्होंने 3912 रन बनाए हैं, औसत 69.85, ऑलमोस्ट 70 के आसपास, शतक 14 और अर्धशतक 11। भारत और इंग्लैंड सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी मुकाबले में सरफराज ने एक जबरदस्त शतक लगाया था, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम के साथ जोड़ा गया। इसके बाद बीसीसीआई से बात करते हुए सरफराज खान ने कहा था, ये गेम पूरी तरीके से धैर्य का है। अगर हमें टेस्ट क्रिकेट खेलना है हमें धैर्य रखना होगा। जीवन में कई बार हम जल्दबाजी कर जाते हैं। मैं टीम में जगह बनाने के लिए किए गए इंतजार को लेकर भावुक हो जाता। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि कड़ी मेहनत करो और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। खुद पे भरोसा और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। खुद से ज्यादा मैं अपने पिता के लिए खुश हूं। इतनी आबादी वाले देश में भारतीय टीम का हिस्सा होना गर्व की बात है। बता दें कि तीसरे यानी कि राजकोट टेस्ट में सिर्फ सरफराज ही वो खिलाड़ी नहीं होंगे जो डेब्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम है जो डेब्यू भारतीय टीम के लिए कर सकता है, नाम है ध्रुव जुरेल। सेलेक्टर्स केएस भरत से नाखुश हैं, वो अभी तक मिले मौके का फायदा नहीं उठा पाए हैं और इसीलिए सेलेक्टर्स 23 साल के यूपी से आने वाले इस ताबड़तोड़ बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को मौका देना चाहते हैं। तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिलता है कि नहीं, दोनों खिलाड़ी एक साथ डेब्यू कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, नमस्कार।